नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं प्रोफेसर सुरेश शर्मा लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूं कोकोनट थिएटर का कि जो उन्होंने इस तरह का एक समारोह आयोजित किया और इस समारोह में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से बात करना चाहूंगा अभिनय व अपनी यात्रा रंगमंडल के संदर्भ में। वैसे तो हम सभी एक अभिनेता होते हैं, हम सभी को ये लगता है कि अभिनय बहुत आसान सी क्रिया है और हम सभी अभिनय कर सकते हैं। लेकिन इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि हम जितना आसान इसको समझते हैं उतना आसान ये होता नहीं है। अभिनय देखा जाए तो एक यौगिक क्रिया है, एक साधना की बात है। हम अभिनय करते समय जब विभिन्न किरदारों को, करेक्टर्स को करते हैं, तो हम सबसे पहले अपने को समाप्त करते हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें तो अभिनेता एक योगी है। जिस तरह से योगी एक साधना करता है, परकाया प्रवेश की बात हम करते हैं, अभिनेता परकाया प्रवेश में विश्वास करता है। हम अपने आप को खत्म करके दूसरे की काया में प्रवेश करते हैं, यानी कि दूसरे के चरित्र में, दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं, या फिर अपने आप को समाप्त करके अपने शरीर में दूसरे चरित्र को, दूसरे व्यक्तित्व को प्रवेश देते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये पूरी तरह से यौगिक क्रिया ही है। अभिनेता के लिए अक्सर कहा जाता है कि कई बार निर्देशक कहते हैं कि यार प्लीज कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो। ये कंसंट्रेशन क्या होता है? एकाग्रता की अगर हम बात करते हैं तो ये एकाग्रता होती क्या है? ये कंसंट्रेशन वही होता है जब हम पूरी तरह से अपने को समाप्त करते हैं, आंख बंद करते हैं और आवाहन करते हैं उस चरित्र का जिसका निर्वाह या जिस करेक्टर को हम करने जा रहे होते हैं। तो ये परकाया प्रवेश की बात नाट्यशास्त्र में कही गई। अब हम अभिनय को कई श्रेणियों में कहते हैं कि वो कॉमेडी करेक्टर बहुत अच्छा करता है, वो गंभीर या सीरियस करेक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से करता है, वो करेक्टर्स रोल बहुत अच्छे तरीके से करता है। लेकिन एक अभिनेता वो है जो हर करेक्टर को, हर चरित्र को, चाहे वो कॉमिक हो, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो कहा जाए करेक्टर आर्टिस्ट हो या करेक्टर, कोई भी करेक्टर, उसको बखूबी निभाता है। निभाने के लिए जो हम कई बार ये बात होती है कि यार आप इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतनी योगा की क्या जरूरत है, बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल बनाने की क्या जरूरत है, ये क्या अभिनेता तो वो है जो अच्छे खूबसूरती के साथ संवाद बोल दे तो और उसकी एक भारी भरकम सुडौल बॉडी हो। ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा एक इमेज बनी हुई है सभी लोगों के जहन में कि अभिनेता का यही है कि डायलॉग बहुत साफ सुथरा और खूबसूरती के साथ बोले और बॉडी उसकी अच्छी हो। लेकिन हम यहाँ अंतर बताना चाहेंगे कि एक एक्टर और एक स्टार में क्या फर्क है। जो एक्टर है वो इन सारी चीजों के ऊपर विश्वास करता है, वो कभी भी अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा भारी भरकम और सुडौल नहीं बनाता है। कहते हैं कि अभिनेता की जो का जो शरीर है वो लचीला होना चाहिए। उसके पीछे कई कारण है, कई कारण है। ऐसे नहीं है कि अभिनेता हर समय लगा रहता है, एक्सरसाइज भी करता है, योगा भी करता है, जिम भी जाता है। क्योंकि जब आप किसी चरित्र का निर्वाह कर रहे होते हैं, किसी चरित्र को जब आप निभा रहे होते हैं, तो एक्टर क्या करता है कि उस चरित्र कि जो हम आवाहन की बात कर रहे हैं उसको एक पूरी तरह से इमेजिन करता है। अगर उसके पास आसपास कोई उस तरह का चरित्र रहा हो, उसको ऑब्जर्व करके धीरे से उस चरित्र में जाने की एक प्रक्रिया अपनाता है और जाता है।
अब हम इतने सारे लोग हैं, हर उम्र में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी वॉक अलग है, हर इंसान का अपना जेस्चर अलग है, हर इंसान का अपना पोस्चर अलग है, हर इंसान के चलने का ढंग अलग है, हर इंसान के बोलने का ढंग अलग है। तो एक अभिनेता की एक तरह की बॉडी हर चरित्र में कैसे हो सकती है? तभी लिए बार बार कहा जाता है कि आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाए, लचीली होनी चाहिए। अगर आपने कोई करेक्टर ऐसा कर रहे हैं जिसकी कमर झुकी हुई है और आपकी कमर एकदम सीधी है, तो आप अगर झुका करके 2-3.5 घंटे की परफॉर्मेंस है तो आप उस पोस्चर को मेंटेन कर सके, आप भूल ना जाएं कहीं पे आप झुक गए हैं, कहीं पे आधा झुके हैं, कहीं कम झुके हैं, कहीं ज़्यादा झुक गए हैं। नहीं, एक पोस्चर को मेंटेन करना है शुरू से लेके आखिर तक। तो ये जो रियाज आप करते हैं, जो आप एक्सरसाइज करते हैं, वो आपकी बॉडी को बनाता है इस तरह से कि आप जितनी देर भी चाहें उतनी देर उस पोस्चर में रह सकते हैं। जनरली अगर हम देखें तो अभिनेता और स्टार का अगर हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप अगर देखेंगे एक स्टार जो है हर चरित्र को, हर करेक्टर को अपने जैसा बना देता है। वो स्टार का वॉक, हर चरित्र का वॉक एक सा रहेगा, बोलने का अंदाज एक सा रहेगा, बटन खुले हैं, हम कोई सा भी करेक्टर कर रहे हैं तो खुले हुए हैं, हमारे बोलने का संवाद अदायगी का भी वही रहेगा जो हम पिछले कई करेक्टरों में कर चुके हैं। लेकिन एक्टर के साथ ऐसा नहीं होता है, एक्टर हमेशा खोज में रहता है, वो चरित्र की ऊंचाई तक की पहुंचने की कोशिश करता है, ना कि चरित्र को अपनी हाइट पे लाने की कोशिश करता है। ये एक मूल फर्क है स्टार और अगर हम एक्टर की बात करें तो। स्टार हमेशा हर चरित्र को अपने जैसा, अपने सुविधा के अनुसार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक्टर हर चरित्र की तरह बनने की कोशिश करता है, उसकी हाइट को छूने की, मैं फिजिकल हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी हाइट को छूने की कोशिश करता है। तभी आप मैं चाहे इंडस्ट्री की बात करूं, चाहे टीवी इंडस्ट्री हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, उसकी बात करूं, या रंगमंच की बात करूं, या रंगमंच के अभिनेता की बात करूं और फिल्मों के अभिनेताओं की बात करूं, तो आपको दोनों में फर्क जरूर नजर आ जाएगा। रही बात की शैलियों की, हम कहते हैं कि वो ट्रेजिक करेक्टर, जैसे हम अगर एग्जांपल लें कि दिलीप कुमार साहब के बारे में कहा जाता है कि वो ट्रेजिक करेक्टर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अभिनेता, संपूर्ण अभिनेता वही है जो हर करेक्टर को सहजता के साथ निर्वाह कर सके और बाखूबी निर्वाह कर सके। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम जो भी अभ्यास हैं उनको निरंतर करते रहें। हम हमेशा, आपने देखा होगा कि अभिनेताओं को बात करते हुए कि मुझे एक मौका मिल जाए, बस एक मौके की तलाश है, एक मौका मिल जाए मैं अपने को प्रूफ कर दूंगा, मैं बता दूंगा कि मैं कितना बड़ा अभिनेता हूं। और दिनचर्या आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस तरह के अभिनेताओं की दिनचर्या क्या होती है या किस तरह से पूरे दिन को वो व्यतीत करते हैं। मैं एक मोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम अगर संगीत की बात करें, नृत्य की बात करें, तो आप देखिए कि वहाँ पे वो संगीतकार, वो गायक या वो नृत्य करने वाला हमारा जो कलाकार है, वो उसका कार्यक्रम हो या ना हो, वो हमेशा रोज रियाज करता है, सुबह उठ के या शाम को, जब भी कोई एक समय उसका निर्धारित होता है और वो घंटों रियाज करता है। लेकिन अगर हम अभिनेताओं की बात करें तो अधिकांशता की बात कर रहा हूँ, कुछ इसमें वैसे भी लोग हैं जो निरंतर इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, करते हैं, लेकिन अधिकांशता अभिनेता क्या करता है, वो वेट करता है, इंतजार करता है मौके का कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। लेकिन नहीं, अगर हम अपने आप को अभिनेता कहते हैं तो अभिनेता बनने के लिए, क्योंकि कभी भी कोई ये सोचे कि मैं अब पूरी तरह से अभिनेता बन चुका हूँ तो ये उसका कहा जाए तो गलत फहमी है।
वो गलतफहमी में जीता है कि मैं अभिनेता बन चुका हूँ, क्योंकि अभिनेता कभी कोई कंप्लीट अभिनेता नहीं बन पाता है, हमेशा वो लर्निंग की प्रोसेस में रहता है, रोज़ वो सीखता है, कुछ नया सीखता है, वो हमेशा एक ट्रेनिस की तरह होता है कि मैं अभी भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, क्योंकि कंप्लीट वो कभी नहीं हो पाता। आर्ट का, कला की यही एक विशेषता है कि कलाकार अपने को कभी भी संपूर्ण नहीं पाता है, संपूर्ण वो कभी हो ही नहीं सकता। सिर्फ कलाकार की बात क्या करें, हम इंसान की भी बात करें तो इंसान भी कभी संपूर्ण नहीं हो पाता। अगर संपूर्ण हो गए, हम संपूर्णता को प्राप्त कर लिया, तो मैं इंसान नहीं, मैं भगवान हो जाता हूँ, क्योंकि सिर्फ वही एक संपूर्ण है। तो अभिनेता को हमेशा रोज, चाहे हम मंच पे जा रहे हो या ना जा रहे हो, आज हमें मंच पे जाना है या नहीं जाना है, या पूर्वाभ्यास से पहले भी उसको अभ्यास करके, अपना अभ्यास करके आना होता है। जनरली हम देखते हैं कि रिहर्सल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम रिहर्सल में स्क्रिप्ट मोड़ के रख लिया, जब रिहर्सल हुई तो रिहर्सल स्पेस पे गए और वहाँ पे ही जा करके लाइन्स को देख रहे हैं, वहीं पे जा करके लाइन्स याद करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अभिनेता का या अभिनय करने वाले का अपना एक प्रोसेस होता है। रिहर्सल जो है, पूर्वाभ्यास जो है, वहाँ दक्षता हासिल करने की वो जगह होती है, और जो होमवर्क है वो आपका ये होता है कि आप घर में अपनी लाइन्स को, अपना समय निकाल के लाइन्स को याद करें। यहाँ मैं दो तरीके किस्मों के अभिनेताओं की बात करता हूँ। एक अभिनेता वो होते हैं, जनरली जब हमें कोई करेक्टर मिलता है या हम कोई प्ले रीडिंग कर रहे हैं, किसी भी स्क्रिप्ट की हम जब रीडिंग कर रहे हैं, तो तुरंत ही अगर निर्देशक ये कहता है कि आप ये चरित्र को पढ़िए, आप इस चरित्र को पढ़िए, और जैसे ही हमारी बारी आती है, हमारे डायलॉग्स आते हैं, हम एक खास अंदाज बना लेते हैं और उस डायलॉग को पढ़ना, उस तरह से डायलॉग को बोलना शुरू कर देते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। जब आपके सामने पहली बार कोई स्क्रिप्ट रखी जा रही है, पहली बार किसी करेक्टर के साथ आपका आमना सामना हो रहा है, आपको नहीं पता है कि ये करेक्टर का डेवलपमेंट कितना है, ये शुरू कहाँ से हुआ है, इसका मिडिल क्या होगा और इसका एंड क्या होगा, तो आप कैसे उस चरित्र के बारे में पहले से पूर्व नियोजित होकर के उसकी संवाद अदायगी के बारे में सुनिश्चित हो जाते हैं? ये संभव हो ही नहीं सकता। आपने अभी पहला डायलॉग बोलना शुरू किया और आपने एक खास अंदाज बना लिया, एक खास तरह की आपने अपनी शैली बना ली, संभव नहीं। पहले जो हमारी पहली रीडिंग होती है, जब पहली बार हम किसी चरित्र के संवाद को पढ़ते हैं, तो उसको एक आम पाठक की तरह, एक आम आदमी की तरह उसको पढ़ते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, इन लाइन्स में है क्या, ये किस तरह का चरित्र है, इसके क्या संबंध दूसरे जो भी चरित्र इस स्क्रिप्ट में हैं उनके साथ, उसके दूसरे के साथ क्या संबंध है, ये किस वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, इसका पास्ट क्या है, अभी क्या है और इसका भविष्य क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें निर्धारित करनी होती हैं। लेकिन हम कैसे पहले दिन से ही और पहली रीडिंग में ही ये कैसे हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि हाँ ये करेक्टर इस तरह से बोलेगा? नहीं, बतौर अभिनेता पहले आपको, हमें सिंपल एक आम दृष्टि से उसको पढ़ना होता है, समझना होता है, आत्मसात करना होता है, फिर जब हम करेक्टर की बात करते हैं, निर्देशक के साथ जब हम उस पर डिस्कशन करते हैं, जब दूसरे करेक्टर के साथ बराबर हम बातचीत करते हैं, संवादों का आदान प्रदान होता है, तब कहीं जा कर के कोई एक हमें राह नज़र आती है, कोई बिंदु हमें नज़र आता है, हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं और कहाँ तक की पहुँच सकते हैं। तो इसमें भी दो तरीके से हम एक अभिनेता काम करता है। जब हम फ्लोर के ऊपर जाते हैं, तो जब निर्देशक हमसे कहता है कि इस सीन को हम करना चाह रहे हैं, इस सीन को आइए आप फ्लोर के ऊपर आइए, और जैसे ही हमारी एंट्री आती है, हम एक खास किस्म की अपने एक वॉक निर्धारित कर लेते हैं, एक बॉडी पोस्चर बना लेते हैं। हालांकि बॉडी पोस्चर और ये जेस्चर, ये सब बातें अगर हम आज के अभिनेताओं से बात करें, तो एक हिसाब से इन सारी चीज़ों को निकाल ही दिया गया है, इस तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं, इस तरफ हम कभी भी सोचते भी नहीं हैं।
कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैं कहीं एक जगह पे अटकता हूँ या कुछ चीज़ों को मैं रिपीट करता हूँ, मेरा एक जेस्चर होता है, चाहे वो हमारा मसल्स का, चेहरे की हम बात करें या हम हाथों की बात करें या खास शब्द को हम बार बार रिपीट करते, ये सारी चीज़ें एक हमारे अपने जो इस समय व्यक्तिगत चरित्र, जो मैं सुरेश शर्मा की तौर से बात कर रहा हूँ, तो वो मेरी अपनी चीज़ें हैं, चाहे मैनरिज्म हो, चाहे बीच में रुकने की बात हो, या हम कुछ शब्दों को ऐड करते हैं, तो ये सारी चीजें सुरेश शर्मा के चरित्र की अपनी विशेषताएं हैं। उसी तरह से हर चरित्र की अपनी मास्टर जेस्चर होता है, उसके अपनी कुछ शब्द होते हैं जिनको वो रिपीट करता है अपनी स्पीच में, वो उसका एक पोस्चर होता है, वो किन्हीं चीज़ों के ऊपर खास तरह से रिएक्ट करता है, कुछ शब्दों को जब वो प्रोनाउंस कर रहा होता है तो एक खास तरह से उसके भंगिमा, भाव भंगिमा बनती है। ये सारी चीज़ें इतने डिटेल में जा करके एक अभिनेता को सोचना पड़ता है। अब कुछ अभिनेता का प्रोसेस ये होता है कि वो पहले दिन से ही एक फ्लोर पे जब जाते हैं एक वॉक निश्चित कर लेते हैं, अपना एक पोस्चर वो तय कर लेते हैं और संवाद अदायगी का एक शैली ईजाद कर लेते हैं। एक इस तरह के अभिनेता होते हैं और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर पॉलिश, उसको पॉलिश करते हैं और उसको अपने करेक्टर में के अनुरूप ले आना चाहते हैं और लाते हैं। कई बार वो लगता है कि ये चीज़ जा भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी सुविधा अनुसार उसको अपनी तरह से बना लेते हैं। और एक किस्म का अभिनेता वो होता है जो लाइन्स को आत्मसात करता है, करेक्टर के साथ एक एक्शन रिएक्शन की बात करता है, फ्लोर पे जाता है, वो सर्च करता है और लाइंस जब उसके, जब हम कई बार बात करते हैं कि यार ये अंडरलाइन समझो क्या है, इसका सबटेक्स्ट समझो आप क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, शब्द को छोड़ो, ये इन शब्दों के माध्यम से कहना क्या चाह रहा है, तो वो जो अभिनेता होता है जो आत्मसात करता है, वो अपने को छोड़ता है और जैसे जैसे वो प्रोसेस में, रिहर्सल के प्रोसेस में जाता जाता है, उसकी बॉडी, उसकी स्पीच, उसका वॉक, उसका जेस्चर, उसका पोस्चर, उसका मास्टर जेस्चर उसको प्रोत्साहित करता है, उसको मोटिवेट करता है, लाइंस उसको अपने आप बताती हैं कि आप ऐसे चलो, ऐसे वो अपने आप चलना, वो मतलब पूरी खोज में लगा होता है और फिर वो जो खोज करता है वो वाकई एक रियलिस्टिक, एक वाकई दूसरों तक की पहुंचने वाला, दूसरों को छूने वाला एक ये प्रोसेस होता है। ये बात सही है कि इस तरह का प्रोसेस थोड़ा सा डिले जरूर होता है, इस तरह का अभिनेता थोड़ा सा समय जरूर लेता है, लेकिन वो पुख्ता होता है, पक्का होता है, कुछ थोपा हुआ नहीं होता है, चाहे उसके इमोशंस हो, चाहे उसका पोस्चर हो, चाहे उसका रिएक्शन हो, चाहे कुछ हो। हम जनरली क्या करते हैं जब हमें स्क्रिप्ट मिल जाती है, एक अभिनेता क्या करता है कि हमें मतलब ठीक है, हमने इतने रिहर्स कर लिया, चार पांच बार, अगर हम मीडिया की बात करें तो दो तीन बार लाइंस हो गई हैं, अगर अभिनेता उस तरह से है तो थोड़ा सा कि चलो सीरियस किस्म से तो वो लाइंस कर लेता है, दो तीन बार दो तीन तरह से बोल के देख लेता है, कोई एक्टर के साथ रिहर्स कर लेता है, ये कर लेता है। अब होता क्या है कि कई बार डायरेक्टर ये कहता है कि यार आपका चेहरा फ्लैट है, कुछ रिएक्शन नहीं आ रहे हैं, रिएक्शन दो, रिएक्ट करो। तो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि मुझे पता है कि इसकी ये वाली लाइन खत्म होगी, लास्ट शब्द इसका ये है और ये लास्ट शब्द के बाद मुझे ये बोल देना है। तो हम बतौर अभिनेता क्या करते हैं, हम उसको सुन नहीं रहे होते हैं, हम उस शब्द का इंतजार कर रहे होते हैं जिसके बाद हमारी लाइन आनी है या जिस शब्द के बाद मुझे अपनी लाइन बोलनी है। देखिए, मंच के ऊपर या सीन करते हुए हमें सामने वाले को सुनना बहुत जरूरी होता है और ये बात सही है कि हम रिहर्सल कर चुके हैं, हमें उसकी सारी लाइनें पता हैं, हमें अपनी सारी लाइनें पता हैं, लेकिन हमें ये पूरी तरह से अपने को खाली करना होगा और हमें पूरी तरह से कंसंट्रेट करना होगा और हमें ये वाकई देखना होगा कि हम ये लाइंस पहली बार सुन रहे हैं।
ये लाइन हमारे लिए नई है, ये क्या कह रहा है हमें पूरी एकाग्रता के साथ उसको सुनना होगा। जैसे जैसे उसके शब्द चेंज होते जाएंगे, हमारे अपने भाव चेंज होते चले जाएंगे और फिर हम अपनी लाइंस को बोलेंगे तो एक कनेक्टिविटी आएगी, उसके सुर से हमारा सुर मिला हुआ होगा, या कुछ लाइंस ऐसी हैं कि उसका कुछ रिएक्शन ऐसा है कि हमें उससे ऊपर जाना है एक सुर, तो वो अगर हम उसको वाकई सुन रहे हैं तो हमारे अंदर जो केमिस्ट्री है, हमारी केमिस्ट्री काम कर रही है, केमिकल्स काम कर रहे हैं और वो अपने आप ही हम उस अपनी प्रतिक्रियाएँ देंगे और अपने आप ही हमारी जो संवाद है वो अपने आप ही उससे मेल खाता हुआ चला जाएगा और कहीं पे भी पैच नहीं नजर आएगा। जनरली हम सुनते नहीं हैं, हम जब आपसे बात कर रहे हैं आप हमारी बात को सुन रहे हैं, कुछ लोग उसको नकार रहे होंगे, कुछ लोग उसको स्वीकार कर रहे होंगे, तो ये सुनने के बाद नकारना या उसको स्वीकारना, ये क्रिया आपके अंदर चल रही है। प्रतिक्रिया और क्रिया के बीच में एक छोटी सी चीज और होती है, हम कहते हैं एक इक्वेशन है, लिसन थिंक देन रिप्लाई। अगर ये थिंक की जो क्रिया है इतने कम समय में होती है कि आपको एहसास ही नहीं होता है। जब हम आपसे कोई सवाल करते हैं, एक अननोन आदमी आपसे सवाल करता है जिसके बारे में आपको कतई ये पता नहीं है कि सवाल किस तरह का आना है और आप तुरंत उसका जवाब देते हैं, लेकिन इस सवाल को सुनने और जवाब देने के बीच में एक क्रिया होती है सोचने की, जिसको हम मंच पर या सीन करते हुए पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इसीलिए वो अभिनय स्वाभाविक नहीं हो पाता है, वो ऐसे लगता है कि ठीक है हम एक अपनी आवाज के माध्यम से एक हमने जो अपना एक स्टारिज्म बना रखा है उसकी तरह से हम उसके माध्यम से हम अपनी बात को कह रहे हैं। तो ये एक फर्क है अभिनेता और स्टार में। अभिनय बहुत ही शिद्दत की चीज है, अगर आप किसी भी चरित्र का निर्वाह कर रहे हो, खास करके मैं रंगमंच की अगर बात करूं, आप किसी भी चरित्र को बड़ी ईमानदारी के साथ आपने रिहर्सल के प्रोसेस में आपने उसको आत्मसात किया और जब आप उसको मंच पर 10-12 शो कर चुके होते हैं तो रिहर्सल के प्रोसेस में ही आपकी आम जिंदगी है वो भी बदलनी शुरू हो जाती है। आपके बातचीत करने का लहजा बदल जाता है, आपके चलने का लहजा बदल जाता है, आपके जेस्चर बदल जाते हैं, आपके बैठने का उठने का सब चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर आती है, क्योंकि कंटिन्यूअस आप उस करेक्टर के साथ जी रहे होते हैं, उस करेक्टर को आत्मसात करने के प्रोसेस में होते हैं और उस करेक्टर को आत्मसात करके आप जब तक कि वो मंच पर आप निर्वाह कर रहे होते हैं उस चरित्र का, तब तक कि आप उस चरित्र के साथ ही होते हैं। और दोस्तों बहुत सारे अभिनेताओं के साथ तो ये भी हुआ है कि उस चरित्र के प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी कई कई महीनों तक की कई कई दिनों तक की उस चरित्र में ही बसे रहते हैं। तो ये एक फर्क है, ऐसे लोग काम बहुत कम करते हैं लेकिन जब काम करते हैं तो पुख्ता करते हैं, गिने चुने काम करते हैं लेकिन वही गिने चुने नाम उन अभिनेताओं की पहचान होती है। बहुत सारे अभिनेता हैं जिन्होंने 100-100, 200-200 नाटक कर डाले हैं, 100-100, 200-200 फिल्में कर डाली हैं, न जाने कितने सीरियल कर डाले हैं, लेकिन जब तक कि वो चलते हैं हम तब तक कि उनको याद करते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे चरित्र होते हैं जो बरसों तक की हमारे जहन में या दर्शकों के जहन में बसे रहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको अपने मूल नाम से, जो आपका नाम है उससे लोग ना पुकार करके आपके चरित्र के नाम से आपको पहचानते हैं, आपके चरित्र के नाम से आपको बुलाते हैं। तो ये फर्क है, हम बहुत आसानी से ये मान लेते हैं कि हाँ मैं अभिनेता हूँ। अभिनेता को का एक अपना एक डिसिप्लिन होता है, जिस डिसिप्लिन को हम बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं। हमारे खान पान का अपना एक डिसिप्लिन है, एक अभिनेता का अपना एक रोज़मर्रा का अपना एक डिसिप्लिन होता है, क्या हम उसको पूरी तरह से स्वीकार करते हैं? अगर करते हैं तो हम वाकई अपने को अभिनेता के माध्यम में रखते हैं। आप एक हम उदाहरण देते हैं आपको,
कि किस तरह से एक अभिनेता और एक आम उसमें क्या अंतर है, और हमसे कहीं ज़्यादा सशक्त वो लोग हैं। आप हर शहरों के अंदर एक लेबर चौक होती है, जहाँ पे सुबह सुबह जो है मजदूर या काम करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं, जिसमें से कुछ राजमिस्त्री होते हैं, कुछ मजदूर होते हैं, कुछ कारपेंटर होते हैं, कुछ अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, जो एक खास, हर शहर में एक खास जगह होती है जहाँ पे सुबह वो लोग इकट्ठे होते हैं और जिनको उन लोगों की ज़रूरत होती है वो उनको लेकर के अपने साथ अपने घर पे काम के लिए लेके जाते हैं। तो दोस्तों, आप ये देखें कि उसमें सबको सब दिन काम नहीं मिलता है, सबको सब दिन काम नहीं मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोग वापस 9-10-11 बजे तक की वेट करते हैं फिर वापस अपने घरों को वापस आ जाते हैं। उनके पास एक थैला होता है जिसके अंदर उनके एक औजार होते हैं और एक और पोटली होती है जिसके अंदर उनका एक लंच होता है, जो वो काम पे जहां जाते हैं वहां वो 1-2 के बीच में लंच करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को जब काम नहीं मिलता है वो वापस घर आते हैं और फिर जो भी उनकी रोजमर्रा के अपना काम है वो करते हैं और दूसरे दिन सुबह फिर से बाजार में जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तैयार होने से पहले वो अपने वो उन इंस्ट्रूमेंट्स को, उन औजारों को फिर से पोटली से खोलते हैं, उसको साफ करते हैं, ऑयलिंग करने की ज़रूरत होती है ऑयलिंग करते हैं, धार लगाने की ज़रूरत होती है धार लगाते हैं, फिर से उसको रैप करते हैं और फिर से अपने थैले में रखते हैं और फिर से बाजार के उस चौराहे पे पहुंच जाते हैं जहां उनको काम की तलाश होती है। हालांकि अगले दिन उनका, उसके पहले के दिन उनके वो औजार इस्तेमाल नहीं हुए होते हैं, साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसको साफ करते हैं अगले दिन मार्केट में जाने से पहले। वही अभिनेता का एक नियम है, हम आज परफॉर्म कर रहे हैं तो हम अपनी एक्सरसाइज या जो हमारे अपने वर्कआउट हैं वो करेंगे, और हम कल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या 3 दिन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। हमको उनसे देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, वो मजदूर वर्ग है लेकिन फिर भी वो अपने प्रोफेशन की, अपने काम की, अपने औजारों की रेस्पेक्ट करता है। और बतौर अभिनेता हमारे पास क्या औजार है, 2 ही तो चीजें हैं, हमारा अपना शरीर और हमारी अपनी आवाज। तो हमें अपने शरीर को रोज ट्यून करना होगा, अपनी आवाज को रोज साधना होगा, तभी हम अपने को एक अच्छे अभिनेता की तरफ, अच्छे अभिनेता बनने की तरफ ले जाने में सक्षम हो पाएंगे। तो अभिनेताओं का जो कहा जाए कार्य है, जो क्रिया है, वो बहुत सख्त है, बहुत आसान। हम आज के, अगर हम अभिनेताओं की बात करें तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज का युवा, मतलब मैं माफ़ी के साथ ये बात कह रहा हूँ और मुझे क्षमा करेंगे, मुझे माफ़ करेंगे, कि हमें ये लगता है कि हम अभिनेता हैं तो हमें लिखने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, साहित्य से हमारा सरोकार है ही नहीं। बहुत कम ऐसे अभिनेता हैं जो लिखने पढ़ने पर विश्वास करते हैं। अगर हम लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, लोगों के साथ बैठकी नहीं करेंगे, संवादों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, आप पहले देखिए हर शहर में एक बैठकबाजी हुआ करती थी, ऐसे अड्डे हो जाते थे जिसे फटियाबाजी कहते हैं, चाय की दुकानें होती थी, हम बैठते थे, गपशप मारते थे एक दूसरे के बारे में, जैसे रंगकर्मी हैं वो बैठे हुए हैं तो वो अपने रंगकर्म की बात कर रहे हैं, किसी स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, किसी कोई नाटक मंचित हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी अभिनेता के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आज के दौर में ये सारी चीजें हमने खत्म कर दी है। ना आज का अभिनेता, अधिकांश अभिनेता, मैं 80% से ऊपर की बात करता हूं, पढ़ने लिखने से उन्होंने अपना ताल्लुक खत्म कर दिया है। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, जब साहित्य से हमारा जुड़ाव नहीं होगा, नाटककार ने, साहित्यकार ने जो चरित्र गढ़े हैं, अनगिनत चरित्र गढ़े हैं, अगर हम उससे रूबरू नहीं हो रहे हैं तो हम कैसे ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, कैसे एकाग्रता की बात करते हैं, कैसे उन चरित्रों को जीने और समझने की बात करते हैं। हम कभी ग्रामीण प्रवेश को हमने देखा नहीं,
कभी उस जिंदगी को जिया नहीं, कभी उन लोगों के बारे में बात नहीं की, कभी उन लोगों के बारे में हमने लिटरेचर के माध्यम से भी नहीं समझा। तो अगर उस चरित्र का निर्वाह करना है, उस जैसे किसी चरित्र का, तो हम कैसे करेंगे? तो इसलिए पढ़ना अत्यधिक जरूरी है एक अभिनेता के लिए। साहित्य की हर विधाओं से जुड़ना बहुत जरूरी है एक अभिनेता को, और कविताओं का पाठ करना बहुत जरूरी है। जो हम उच्चारण की बात करते हैं, जो हम ध्वनि की बात करते हैं, हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, बहुत सारे, एक गलतफहमी मैं और दूर करना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है और बहुत सारे निर्देशक भी इस बात को बोलते हैं कि यार पेट से बोलो, यार पेट से बोलो, बेस बनाओ, बेस लाओ, बेस लाओ, बेस लाओ। हाँ देखो, अब तुम पेट से बोल रहे हो तो तुम्हारा पेट जो है झंझना रहा है, वहां पे कंपन हो रहा है। तो ये पेट से आवाज कहाँ से आती है, मैं आज तक की नहीं समझ पाया। मुझे करीब करीब 40 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और दो जगह से मैंने ट्रेनिंग भी ली है, और अभिनय में ही दक्षता हासिल की, और निरंतर मैं मंच पर अभिनय भी करता हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि पेट से आवाज़ कहाँ से आती है। अगर हम अपने शारीरिक विज्ञान की बात करें, तो आप देखिए यहाँ ये है जिसको हम लेरिंग्स बोलते हैं। पुराने जो टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, जब वो ख़राब हो जाते थे, जब हम उसको लेकर के मैकेनिक के पास जाते थे, तो मैकेनिक बोलता था इसका हेड जो है घिस गया है, या इसका हेड जो है वो ख़राब हो गया है। अगर मोटे तौर पे हम बात करें तो ये हमारा हेड है। और भारतीय शास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें तो नाभि जो है, नाभि हमारा सेंटर बिंदु है, केंद्र बिंदु हमारा जो है नाभि है, जिसे हम अपने भारतीय शास्त्र में हम जिसको कहते हैं महाप्राण की बात करते हैं, जहां से हम फोर्स लेते हैं, जहां से हमें पावर मिलती है, वो नाभि है, वो हमारा केंद्र बिंदु है, जिसको आप पेट कहते हैं। एक मोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं, थोड़ा सा कुछ मुझे माफी भी दीजिएगा। देखिए, जब हमें वोमिट आती है, जब हमें उल्टी आती है, और कई बार 2-3-4 उल्टियां हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें फिर वोमिट आती है और हमारे पेट में कुछ बचा नहीं होता है, और हम भाग करके वोमिट करने के लिए जाते हैं, तो आप देखिए हमारा बॉडी पॉस्चर क्या होता है, हमें फोर्स कहां, हमें जोर कहां पे पड़ता है, वो जोर कहां पड़ता है, पेट पे पड़ता है, नाभि पे पड़ता है। तो संवाद बोलते समय हम वहां से फोर्स लेते हैं, हमें वहां से ताकत मिलती है, क्योंकि वो हमारा केंद्र बिंदु है। और शारीरिक विज्ञान के हिसाब से भी अगर हम बात करते हैं, तो यहां से सब वायु जाती है, और आकार जो है वो ये लिरिंग्स जिसको बोलते हैं, वहां से एक जो है ध्वनि जो है वो बनती। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है, हर कोशिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जब भी हमारे शरीर में कहीं कोई हरकत होगी तो हर कोशिका में वो हरकत होगी। अगर हम रिलैक्स होंगे, अगर हमारी बॉडी रिलैक्स होगी, तो हमारा जिसको आप बेस बोलते हैं वो वॉइस होती, वो बेस बनती। बहुत सारे लोग अपने बेस को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अलग अलग किस्म की बातें करते हैं, मैं उन तरफ नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है और आप मेरी बात को समझ रहे हैं, तो मेरी आवाज़ अभिनेता के तौर पर ठीक है, उपयुक्त है। शब्दों का मतलब क्या है, जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब ये कि लोगों के समझ में आना चाहिए ना। अगर लोगों के समझ में आ रहा है तो हमारी आवाज ठीक है, और हम अभिनेता के तौर पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें कहीं पे भी इस बात के लिए शर्मिंदगी या इस बात के लिए कहीं दुख नहीं होना चाहिए कि हमारी आवाज में बेस नहीं है। यही कारण है कि आप देखिए बहुत सारे अभिनेता जब मंच के ऊपर आते हैं, या बाकी मीडिया में, बाकी माध्यमों में जब वो काम करते हैं, तो उनका संवाद बोलने का अंदाज एक होता है, उनका टोनल क्वालिटी एक होती है, वो एक ही सुर पे बोलते हैं, हर करेक्टर का सुर वो अपने सुर का बना देते हैं।
जबकि हम अनगिनत लोग हैं इस देश के अंदर। हर इंसान का अपना टिम्बर अलग है, हर इंसान का टिम्बर अलग है, टोनल क्वालिटी अलग है। हम अपने को बहुत खूबसूरत बनाने के चक्कर में अपने जो शब्द, हर शब्द को एक आकार चाहिए, बाहर आने के लिए एक आकार की जरूरत होती जो ये हमारा चेहरा जीभ मुंह बनाता है। लेकिन हम बड़े सोफिस्टिकेशन में चले जाते हैं। हम शब्द हमारे क्यों लड़खड़ाते हैं, शुद्ध क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि हम इतने सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं कि अपना पूरा मुंह नहीं खोलते हैं उस शब्द को बोलने के लिए, उस अक्षर को उच्चारित करने के लिए। हमारे चेहरे के अलग अलग भाव होते हैं, हमारी जुबान का अलग होता है, जबड़े का अलग होता, लिप्स का अलग होता है, और जो वायु आ रही होती है, जो अंदर से हम जो सांस होती है, उसकी अलग अलग आवश्यकता होती है कि कितनी इसमें, इस शब्द को उच्चारित करने में, इस अक्षर को उच्चारित करने में कितनी मात्रा की जो सांस है वो इस्तेमाल होगी। हम इन सारी चीजों की तरफ कतई एक अभिनेता अवेयर नहीं होता है और बस हर चरित्र के संवाद को एक तरह से बोलना शुरू कर देता है। उसके कॉस्ट्यूम बदल जाती है, उसके चरित्र का नाम बदल जाता है, लेकिन उसके जेस्चर, पोस्चर, बोलने का अंदाज, उसके वॉक, सब कुछ वैसा ही रहता है। तो ये एक बहुत दुखद बात है, एक अच्छे अभिनेता की ये पहचान कतई नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर हम अभिनेता अपनी वॉइस को लेकर के कॉन्शियस नहीं होता, उसको बड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है। देखिए, हम आवाज उसकी रिच होती है, मैं टिम्बर की बात नहीं कर रहा हूं, आवाज उसकी रिच होती है जिसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी है तो आपकी आवाज में एक फोर्स होगा, आपके शब्दों का उच्चारित करते समय जिस तरह की आकार आपका चेहरा लेता है वो पूरा आकार बनेगा और वो फोर्सफुली वो शब्द सामने वाले की तरफ जाएगा। अगर हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत कम है, और कम है, तो हमारे शब्दों में, हमारे संवादों में दम नहीं होगा, वो खोखले नजर आएंगे। तो ब्रीदिंग कैपेसिटी एक अभिनेता को जरूर है कि उसको उस पर काम करना चाहिए, तभी वो एक, खास करके अगर मैं मंच की बात करूं तो मंच पे अब बहुत सारे अभिनेताओं ने लेपल और ये माइक और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। लेकिन अगर मैं अपने दौर की बात करता हूँ, या अभी भी मैं अपनी बात करूँ, या हमारे समकक्ष या हमारे साथ के जो लोग हैं और जो रंगमंच में जिन्होंने एक प्रशिक्षण लिया हुआ या बिना एक अनौपचारिक जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वो लोग हमेशा इसके खिलाफ होते हैं कि हम नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम ये चाहे माइक्रोफोन हो चाहे लेपल हो, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण ये कि जो इमोशन है हमारा, जो हमारे संवादों का भी इमोशन है, वो इमोशन एम्पलीफाई होकर के दर्शकों तक की पहुंचता है, और जो हम वाकई जो महसूस कर रहे हैं, हमारे आवाज़ में जो कंपन है, हमारे आवाज़ में जो वेदना है, जो खुशी है, वो सारी की सारी चीज़ें उस इंटेंसिटी के साथ नहीं पहुंच पाती हैं, वो एम्पलीफाई होकर के लोगों तक की पहुँचती हैं, जो कि एक तकनीकी और एक टेक्निकल और एक मैकेनिकल वो चीज़ बन जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अगर 500, 600, 750 के ऑडिटोरियम के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें अपने को इतना सक्षम बनाना होगा बतौर अभिनेता कि हमें माइक की और लेपल की जरूरत ना पड़े, तभी संवेदनाएं दर्शकों तक की पहुंच पाएंगी और आपके डायलॉग उनको छू पाएंगे, उनके दिल पे लगेंगे और वो महसूस कर सकेंगे। तो अभिनेता की क्रिया या अभिनेता बनने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। मैं पढ़ने की बात कर रहा था अभिनेता के लिए, वो पढ़ने की बात इसलिए कर रहा था कि देखिए, एक राइटर कोई चीज लिखता है, मान लीजिए मैं एक कहानी की बात करता हूं, किसी कहानीकार ने एक कहानी लिखा और उस कहानी के अंदर 9 या 10 चरित्र हैं, तो वो 10 चरित्र और कहानीकार यानी कि 11 लोगों का वो अनुभव है, 11 लोगों का वो अनुभव है, और जब एक अभिनेता उसको पढ़ता है तो 12वां अनुभव
वो होता है, यानी कि एक साथ वो 11 अनुभवों से गुजरता है और एक 12वां अनुभव उसका होता है। तो आप देखिए कि उसकी इमेजिनेशन कहाँ से कहाँ पहुँचती है, वो किस तरह से चीज़ों का आकलन करता है, किस तरह से किसी चरित्र की समीक्षा करता है, और फिर उसके बाद जब उस तरह के आसपास के चरित्र उसको मिलते हैं तो तुरंत कहा जाए कि उसका दिमाग में एक घंटी बजती और वो तुरंत उस चरित्र के नज़दीक जो उसने पढ़ा होता है, जिसका अनुभव वो एक बार जी चुका होता है आध्यात्मिक और बौद्धिक, उसमें वो उसको तुरंत रिकॉल करके वो उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है। तो ये एक अभिनेता का कहा जाए कार्य प्रणाली होती है, जिसको वो उसको अपना इमेजिनेशन बहुत पावरफुल करना चाहिए, इमेजिनेशन में उसको जाना। कई बार ये होता है कि मैंने ऑब्जर्व किया, कई बार वो कहता मैंने ऑब्जर्व करके आया, मैंने 2-3 ये करेक्टर ऑब्जर्व किया, वो करेक्टर ऑब्जर्व किया, ये किया। और जनरली जब हम टीचिंग में भी जाते हैं, जब हम ट्रेनिंग भी ले रहे होते हैं और हमें कहा जाता है कि जाओ ऑब्जर्व करके आओ, बस अड्डे पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, बाजारों में जाओ, ऑब्जर्व करके आओ और फिर आकर के उसको शो करो, उसको आकर के हमारे सामने ले करके आओ। अब वो अभिनेता क्या करता है, वो जो अभिनेता जो ट्रेनिंग ले रहा है वो क्या करता है, वो जाता है मान लीजिए एक उसने कारपेंटर को ऑब्जर्व किया, एक भिखारी को ऑब्जर्व किया, वो देखता है और आकर के उसको हूबहू उसको पेश करता है कि हाँ जी मैं ये करके, ये देख कर ऑब्जर्व करके आया था और वो ऐसा कर रहा था, ऐसा कर रहा था, ये कर रहा था। हम पूरी तरह से उसको इमिटेट कर देते हैं, यानी कि उसकी नकल उतारते हैं। लेकिन आप अभिनेता हैं, आप मिमिक्री नहीं कर रहे, आप एक अभिनेता हैं, आपने वो चीज तो ली, आपने वो चीज तो देखी, उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन बतौर अभिनेता उसको आपको अपना बनाना होगा, अपना बना करके पेश करना होगा। नहीं तो फिर अगर चाहे मीडिया की हम बात करें, चाहे रंगमंच की बात करें, तो बहुत सारे करेक्टर होते हैं, तो फिर एक अभिनेता की क्या जरूरत है। अगर भिखारी का चरित्र है, हम बाजार से एक भिखारी पकड़ लाते हैं, उसको पर शो के हिसाब से, पर रिहर्सल के हिसाब से उसको पे कर देते हैं, उसी तरह से जिस जिस तरह के करेक्टर्स की जरूरत है उस तरह के करेक्टर्स को बाजार से उठा लाएं और उनसे काम करवा लें, तो फिर अभिनेता यहां कहां है। अभिनेता का काम है कि अगर उसने कोई चीज ऑब्जर्व की है, ऑब्जर्व की है तो उसको जो चरित्र वो निर्वाह कर रहा है और जो उससे मिलता जुलता है, उसको उस चरित्र का अपना बना करके, उस चरित्र का हिस्सा बना करके, या वो चरित्र वो परफॉर्म कर रहा है, वो चरित्र तो उस तरह से बिहेव कर रहा है, उस तरह से उसको प्रस्तुत करना होगा। ये अभिनेता का एक कहा जाए उसका धर्म है, ये उसका धर्म है। हम क्या करते हैं कि कई बार ये होता है कि डायरेक्टर बार बार बोलता है कि नाटक शुरू होने में या आपके सीन आने में 10 मिनट है, 15 मिनट है, यार अब तो आप सीरियस हो जाओ, अब तो आप गंभीर हो जाओ। हम जनरली अभिनेता क्या करता है, शो के आधे घंटे पहले, 40 मिनट पहले वो ग्रीन रूम में दाखिल होता है, आता है और गाना लगा हुआ है कान में, ये लगा हुआ है, अपनी कॉस्ट्यूम जो पहन के आया उसको उतारता है, हैंगर पे टांगता है और जो करेक्टर की कॉस्ट्यूम है उसको पहनता है, और कानों में आजकल वो लगा रहता है क्या बोलते हैं आपका हेडफोन, और उसमें गाने कुछ चल रहे होते हैं, और जाकर के अभी चरित्र किसी और तरह का निभाना है, तो उस चरित्र में जीवंतता कहां से आएगी। जो हमारा नाट्यशास्त्र कहता है या जो अभिनेता की जो शैली या अभिनेता का जो धर्म है, कॉस्ट्यूम को पहनना, धारण करना एक रिचुअल है, रिचुअल है वो। आप जब आते हैं बतौर सुरेश शर्मा, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो बतौर सुरेश शर्मा जब आप ग्रीन रूम में एंटर करते हैं, तो जब आप शर्ट उतारते हैं, आपने शर्ट उतार करके आपने हैंगर में टांगा, और जब आपने हैंगर में टांगा तो यानी कि आपने सुरेश शर्मा को उतार करके हैंगर में टांग दिया। जो चरित्र आप निभा रहे हैं, उस चरित्र के जब कपड़ों को आप पहन रहे हैं, तो आप उस चरित्र को धारण कर रहे हैं। तो उस चरित्र को ये कॉस्ट्यूम पहनना अपने आप में एक रिचुअल है,
एक यौगिक क्रिया है। आप अपने को समाप्त करते हैं और चरित्र को धारण करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे अभिनेता को मेकअप मैन की जरूरत नहीं पड़ती, अगर खास स्पेशल कोई मेकअप ना हो वो अपना मेकअप खुद करना पसंद करते हैं और खुद करते हैं। उसके पीछे कारण है, जब वो बेस लगाते हैं, जब वो एक लाइन खींचते हैं तो वो चरित्र को खींच रहे होते हैं, उस चरित्र का आवाहन कर रहे होते हैं। तो कहां से वो चीजें आ पाएंगी, जीवंतता की जो हम बात करते हैं, यादगार अभिनेताओं की, यादगार चरित्रों की हम बात करते हैं। तो अभिनय यौगिक क्रिया है और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अगर आप इसको जीना सीख लें तो बहुत ही सुखद जिंदगी है। आप तो रोज चरित्रों को जीते हैं, आपको ईश्वर ने वो वरदान दिया है कि आप कभी राजा बन जाते हैं, कभी रंक बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। ये आसान बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अलग अलग चरित्रों का निर्वाह करते करते आप अपने को भूल जाते हैं। कई बार अभिनेताओं के साथ होता है, आप जब किसी चरित्र में पूर्व अभ्यास में हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप ब्लैंक हो जाते हैं। वो क्या है? चरित्र को धारण करने की क्रिया है। आपके अंदर वो प्रवेश कर चुका था, जो हम परकाया प्रवेश की बात कर रहे थे, वो है। बहुत बहुत ही रिचुअल और बहुत ही पवित्र चीज है अभिनेता का जो कर्म है। उसको हम बहुत साधारण और बहुत मजाकिए और बहुत हल्के फुल्के में लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभिनेता एक बड़ी सशक्त चीज है। बहुत लोग आपसे रश करते हैं, आपसे जलते हैं, उसके पीछे कारण ही यही है कि आप एक अलग हैं। आप जिंदगी को देखने का नजरिया आपका अलग है, आप जिंदगी को और नजरिए से देखते हैं, एक आम आदमी से हट करके देखते हैं। तो ये एक बात है। एक बात सही है कि ये हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। अभी यहाँ पे किसी ने लिखा है कि हम वाकई हम मतलब जो परकाया प्रवेश की बात है वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। हम पूरी तरह से अपने को बदल देते हैं। एक अभिनेता पूरी तरह से अपने को बदलता है। मुझसे पूछा जा रहा है व्हाट इज रोल ऑफ एनएसडी इन इंडिया। एनएसडी का बहुत देखिए बहुत अहम रोल है इस पूरे रंग कर्म की बात करें, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो बात करता है वो बात नाट्य प्रशिक्षण की बात करता है। और नाट्य प्रशिक्षण यानी कि मंच का अभिनय और जो आप मीडिया की बात करें उसमें बहुत फर्क भी है और बहुत फर्क नहीं भी है। एक बारीक सा फर्क है, वो हमें समझने की जरूरत होती है कि हमें जब हम रंगमंच पे बात कर रहे हैं, रंगमंच के अभिनय की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संपूर्ण रंगमंच की बात करता है, जिसके अंदर अभिनय जो है एक इकाई है। और रंगमंच में के केंद्र में हमेशा अभिनेता ही रहा है और अभिनेता ही रहेगा। देखिए जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जब स्थापना हुई 1959 में, अगर पूर्णता अगर हम बात करें, उसके पहले तो 1958 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को किसी और रूप में एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट के रूप में शुरू किया गया भारतीय नाट्य संघ की तरफ यूनेस्को की मदद से, लेकिन बाद में ये संगीत नाटक एकेडमी के अधीन आया। संगीत नाटक एकेडमी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ये एशियन इंस्टीट्यूट थिएटर इंस्टीट्यूट दोनों के उससे चला। फिर 59 में ये एकदम से अलग हो गया और एक स्वायत्त संस्था के रूप में मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संचालित किया जाने लगा। देखिए उस दौर में क्या था कि इस सारी कलाओं को बहुत ही अजीब दृष्टि से देखा जाता था। यही वो दौर था जब अलग अलग किस्म की अकेडमियां जो हैं बनी थी और स्थापित की गई थी। उसी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संगीत नाटक एकेडमी के अधीन जो था ये बना। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने रंगमंच के या के संरक्षण संवर्धन और उसके विकास के लिए इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना की गई थी। शुरू में ये एक साल का कोर्स था, फिर दो साल का कोर्स हुआ, फिर तीन साल का, और फिर इसके पहले संपूर्णता में ये होती थी, फिर दो साल के बाद जब ये तीन साल का कोर्स हुआ तो इसमें एक दक्षता यानी कि स्पेशलाइजेशन भी शुरू हुआ, जिसमें हमारा अभिनय होता था, एक्टिंग, डायरेक्शन एंड स्टेज क्राफ्ट।
तो 2 साल तक की कोर्स, 1.5 साल तक की कंबाइंड चलता था, उसके बाद यह स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाया करता था। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अहम रोल है कि उस तरह से हमारे यहाँ कभी भी प्रशिक्षण का कोई उस तरह से संस्थान नहीं था, हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा ही थी, और ये गुरु शिष्य परंपरा लोक नाट्य परंपरा से ही आई थी। परंपराशील जो हमारे नाट्य थे, लोक नाट्य थे, वहीं पे थी। लेकिन मॉडर्न थिएटर की बात करें तो वहाँ पे कोई भी इस तरह का इंस्टीट्यूट या इस तरह का प्रशिक्षण केंद्र नहीं था जिसके तहत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई। और आधुनिक रंगमंच के, मतलब पौराणिक ये परंपराशील नाट्य के साथ साथ आधुनिक रंगमंच में काम करने की और एक लैबोरेटरी की के लिए की तरह से इसका इस्तेमाल होने लगा, और विधिवत इसमें प्रशिक्षण प्रदान किया जाने लगा। सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं, प्रैक्टिकल के साथ साथ उसकी जो सैद्धांतिक पक्ष था वो भी पढ़ाया जाने लगा। पहले ये था कि सैद्धांतिक पक्ष की तरफ, जब तक कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नहीं था, सैद्धांतिक पक्ष की तरफ भारतवर्ष में कहीं कोई ध्यान या उस तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया जाता रहा। लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, या हम उसकी बात करें एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर सैद्धांतिक पक्ष की को ज़रूर पढ़ाया जाने लगा। और फिर चीज़ों को देखने का एक पूरी उसकी शैली, एक पूरा उसका सिद्धांत, एक उसका पूरा शास्त्र इजाद किया गया कि एक अभिनेता की ट्रेनिंग, एक निर्देशक की ट्रेनिंग, एक डिजाइनर की ट्रेनिंग किस तरह होनी चाहिए। उसके लिए हमने वेस्ट का भी सहारा लिया, और हमारे पास सबसे पुराना ग्रंथ नाट्यशास्त्र तो ऑलरेडी मौजूद रहा ही है। तो व्यावसायिक रंगमंच की बात करें, या व्यावसायिकता की, या प्रोफेशनल उसकी बात करें, देखिए प्रोफेशनल और उसमें हम कॉमर्शियल में एक ट्रांसपेरेंट वॉल है, उसको जरा हम अलग करके चलें। हम अभी भी प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये समझते हैं कि हमको जहाँ पैसा मिलता है इट्स मीन की प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब है परफेक्शन इन योर वर्क। अगर आप अपने काम में परफेक्ट हैं तो आप प्रोफेशनल हैं। पैसे का लेन देन वहां पे नहीं आता है, वो हम बात कॉमर्शियल और उसकी बात कर सकते हैं, वो एक दूसरा विषय है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने इस परंपरा को बढ़ाया और इस देश के रंगमंच को सुदृढ़ किया, और सुदूर प्रांतों में जहाँ पे कोई रंगमंच का किसी तरह का सैद्धांतिक कुछ बात नहीं होती थी, वहाँ के लोगों ने आकर के अपने अपने क्षेत्रों में वापस जा करके वहाँ के रंगमंच में एक आंदोलन पैदा किया, वहाँ का रंगमंच आंदोलित हुआ। और यही कारण है कि आज आधुनिक से आधुनिक नाटक, आधुनिक से आधुनिक तकनीक को लेकर के वहाँ का रंगकर्म आगे बढ़ रहा है। चाहे वो अभिनय के क्षेत्र की बात करें, चाहे हम निर्देशन के क्षेत्र की या तकनीकी दृष्टि से बात करें, ये सारी चीजें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की देन है। और अगर आप देखें, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने बहुत सशक्त अभिनेता दिए हैं, उन्होंने अभिनेता या अभिनय की परिभाषा को बदला है। अगर हम बात करते हैं, अगर अभी इसकी बात करें रंगमंच में, तो बहुत सारे अभिनेता हैं उसमें। हम अगर आज बात करते हैं मनोहर सिंह जी की बात करते हैं, गोविंद नामदेव जी की बात करते हैं, राम गोपाल बजाज साहब की बात करते हैं, मोहन महर्षि जी की बात करते हैं, भानु भारती की, एक वो और रहा है जो पुराने उसकी। और अगर हम इधर आ जाएं तो सीमा विश्वास की बात कर लीजिए, नीना गुप्ता की बात कर लीजिए आप, आशुतोष राणा की बात कर लीजिए आप, फिर ये यशपाल शर्मा की, रघुवीर यादव साहब की बात कर लीजिए, पंकज कपूर साहब की बात कर लीजिए, अन्नू कपूर जी की बात कर लीजिए, ये मैं अभिनेताओं की बात करें। उससे और इधर आए तो आप इरफान खान साहब की, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की बात कर लीजिए, अनुपम खेर साहब की बात कर, मतलब इन लोगों ने हर क्षेत्र में जा करके अभिनय की जो एक परिभाषा बनी हुई थी उसको कहीं जाकर के तोड़ा है। और राजबब्बर साहब की बात कर लीजिए, मतलब इस तरह के अनगिनत नाम है, मैं इस समय एकदम से सारे नाम मुझे नहीं याद आ पा रहे हैं तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन इस तरह के अनगिनत नाम हैं जिन्होंने अभिनय में जाकर के एक अभिनय की जो परंपरागत रूढ़वादी जो एक शैली बनी हुई थी उसको जाकर के तोड़ा है। और हमारे भारतीय, चाहे फिल्म उद्योग हो चाहे रंग जगत हो, एक नई शैली की रचना की है। उसी तरह से निर्देशन के क्षेत्र में हम बात करें, उसी तरह से हम निर्देशन के क्षेत्र में अगर हम रंजीत कपूर की बात करते हैं, राम गोपाल बजाज साहब की बात करते हैं, बंसी कौल साहब की बात करते हैं, एम के रैना साहब की बात करते हैं, इला अरुण जी की बात करें, मतलब अनगिनत अनगिनत नाम हैं। चाहे हम म्यूजिक डायरेक्टर संजय उपाध्याय की बात कर लें, युवा में हम गुंजन की बात कर लें, रणधीर की बात कर लें, अभिलाष पिल्लई जी की बात कर लें, पराग शर्मा हैं, शांतनु बोस हैं, इस तरह के दिनेश खन्ना साहब की बात करें, अनेक लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं तो इसलिए मैं माफी चाहूंगा। जो नाम जहन में आ रहे हैं इस समय, मैं फटाफट उन नामों को ले रहा हूं। तो
बहुत सारी चीजों में बदलाव लाए हैं। तो ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का ही अहम रोल रहा है। आज अगर आप देखिए कि अनेक विश्वविद्यालयों में, वामन केंद्र जी की बात करें, सतीश आलेकर जी की बात करें, मोहन आगाशे जी की बात करें, इस तरह से अनगिनत नाम हैं जिन्होंने रंग आंदोलन में तो काम किया ही किया, उसके साथ साथ मीडिया को भी कहीं ना कहीं उन्होंने उसको आंदोलित किया है, नई परिभाषाएं गढ़ी हैं, चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो, चाहे वो डिजाइनिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो निर्देशन का क्षेत्र रहा। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का बहुत अहम रोल रहा है। आज दूर दराज सुदूर प्रांतों में, शहरों में, कस्बों में, गाँवों में, बहुत सारे हमारे युवा रंगकर्मी जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हैं, मैं उन पर फख्र करता हूं कि उन्होंने छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में जाकर के व्यावसायिक और प्रोफेशनल रंगमंच की शुरुआत की है। यही कारण है कि इसकी आवश्यकता समझी जाने लगी और अनेक विश्वविद्यालयों में ड्रामा डिपार्टमेंट खोले गए, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुले, बहुत सारे, आप अगर मुंबई की बात कर लें तो अनगिनत एक्टिंग कोर्स रन करने वाले, आप जानते हैं कि कितने सारे इंस्टीट्यूशन खुल चुके हैं गली गली के अंदर, छोटे छोटे कमरों के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक शान रही है कि अब लोगों को लगता है कि अभिनय में भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। लोगों को पहले ये लगता था कि अभिनय तो जन्मजात, अभिनेता तो जन्मजात होता है, उसको ट्रेनिंग की क्या, वो तो पैदाशी होती है ये कला। लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने इस परंपरा को तोड़ा और इसको गलत खारिज किया, इसको गलत साबित किया और इसको एकदम सिरे से नकार दिया। हम 2T की बात करते हैं, टैलेंट प्लस ट्रेनिंग। तो ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की देन है कि कितने लोगों को काम मिला है, कितने लोग प्रशिक्षण के क्षेत्र में आए हैं और कितने लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट खोले हुए। तो ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ऊपर जो सवाल था, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने खुद को भी विस्तार दिया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने अपने 4 केंद्र खोले हुए हैं, बल्कि अभी 3-4 की हम और प्लानिंग कर रहे हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय प्लानिंग कर रहा है। तो ये सशक्तता ही है कि लोगों को अब लगने लगा है कि नहीं, ये एक व्यवसाय, अभिनय जो है एक प्रोफेशनल के तौर पर अपनाया जा सकता है और इसमें कैरियर जो है ब्राइट कैरियर है। तो लोग आ रहे हैं और यही कारण है कि विश्वविद्यालय हों, चाहे प्रदेश की सरकारें हों, उन्होंने ड्रामा इंस्टीट्यूट खोलना शुरू कर दिया है। तो ये एक अच्छी बात है और इन सब के पीछे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने एक जागृति पैदा की है। सुनील यादव जी कहते हैं, सर एक एक्टर को रोज क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, खुद के ऊपर कैसे कैसे काम करना चाहिए, कुछ टेक्निक और टूल्स। देखिए सुनील यादव जी, जैसा कि मैंने कहा कि रोज आपको अपने शरीर के ऊपर, अपने आवाज़ के लिए आपको काम करना होगा। हर अभिनेता को रोज़ ये काम करना होता है, चाहे वो फील्ड में काम कर रहा है या चाहे वो अभी इस फील्ड में आने की ख्वाहिश रखता है या आना चाहता है या अभी अभी आया है। तो आपको वर्कआउट करना होगा, और वर्कआउट करने का मतलब ये नहीं कि डोले शोले बनाने होंगे, आपकी बॉडी परफेक्ट होनी चाहिए, आपके अंदर आपकी बॉडी लचीली होनी चाहिए, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी आप अपने को बढ़ाइए और आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप पढ़िए तो जोर जोर से पढ़िए, कविताओं को पढ़िए, कहानियों को पढ़िए और जो अखबारों में जो संपादकीय आता है उसको पढ़िए, कभी जोर जोर से पढ़िए, कभी बहुत स्पीड में पढ़िए, कभी बहुत स्लो स्लो पढ़िए, कभी उसको फुसफुसाहट के साथ पढ़िए, कभी उसको जो कहते हैं ब्रीदिंग के साथ, अनेक तरह की इसमें एक्सरसाइज है, उसको किया जा सकता है। आपके शहर में कुछ पुराने रंगकर्मी होंगे, कुछ ट्रेंड लोग होंगे, आप उनकी मदद लीजिए और उनसे सीखने में कहीं कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, आप छोटे नहीं बनते। कोई अगर आपसे छोटे उम्र का बच्चा है वो भी अगर आपको सिखाता है तो आप उससे सीखने की वो रखिए और वो आप उससे भी सीख पाएंगे। एक्टर को हमेशा डायरेक्टर की बात माननी चाहिए। देखिए क्या है कि डायरेक्टर जो है, अभी तो डायरेक्टर का नाम आ गया ना, तो पहले कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता था। डायरेक्टर का जो प्राचीन नाम और वेस्ट में भी हमको मिलता है, कैप्टन ऑफ द शिप उसको कहते हैं। अगर आपने डायरेक्टर को, जरूरी नहीं है कि आप उसकी हर बात से इत्तेफाक रखते हैं, अगर आप किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप उनके साथ संवाद कायम करें, उनसे बातचीत करें, उनको अपनी बात समझाने की कोशिश करें। अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझते हैं और वो आपकी बात से
इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो वहां पे ईगो प्रॉब्लम नहीं लानी चाहिए। और निर्देशक फिर जैसा कह रहा है, अगर वो आपकी बात से सहमत नहीं है तो जैसा कह रहा है तो फिर आपको एक बतौर अभिनेता को आपको फिर वैसा ही करना होगा, क्योंकि आप निर्देशक के सामने अगर आपने उसको एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो आपको बतौर अभिनेता सिलेंडर करना होता है, बेशक वो चाहे उम्र में आपके छोटा हो। लेकिन कोशिश ये कीजिए जो आप करेक्टर का निर्वाह करते समय जो आप बतौर अभिनेता सोच रहे हैं समझ रहे हैं तो आप उससे वो बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और निर्देशक को भी और आपके बीच में कैसे संबंध है, ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे एक एक्टर हमेशा सीखने की जिज्ञासा रखता है वैसे ही निर्देशक को भी सीखने की जिज्ञासा रखनी चाहिए ईगो प्रॉब्लम हटा करके। एक निर्देशक और अभिनेता का अगर रिलेशनशिप, एक रिश्ता अगर अच्छा नहीं है तो प्रस्तुति कभी भी अच्छी नहीं निकल पाएगी, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वाइल ऑपरेटिंग लाइट ऑफ डिजाइन व्हाट थिंग्स शुड वन कीप इन माइंड, आप ये नीलेश जी कहते हैं, नीलेश जी का ये सवाल है। देखिए क्या है कि आप जब लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं और लाइट ऑपरेट करते समय दिमाग में क्या रखना चाहिए। देखिए लाइट का भी अपना भी एक चरित्र होता है, लाइट ऐसा नहीं है। देखिए लाइट क्या है, ये जितने भी मैंने जैसे पहले बात कही है कि रंगमंच में अभिनेता केंद्र बिंदु है, लेकिन समय के साथ थोड़ी चीजें बदली हुई हैं। कुछ लोगों ने अभिनेता को फिलिंग द गैप्स, खाली खाली भरने की जगह बना रखी है और डिजाइनिंग हॉबी हो गई है, डिजाइन डिजाइन डिजाइन। लेकिन आपको बताएं रंगमंच में अभिनेता ही केंद्र में रहा है और अभिनेता ही केंद्र में रहेगा और वही उसकी आत्मा है। जितने भी एलिमेंट्स हैं, अदर एलिमेंट्स हैं, चाहे लाइट है, साउंड है, म्यूजिक है, कॉस्ट्यूम है, ये हमेशा ऑलवेज सपोर्टिंग एलिमेंट के तौर पर रहे हैं और ये सपोर्टिंग एलिमेंट ही रहेंगे। इनहेंस करने के लिए, आपको इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, मूड क्रिएट करने के लिए हम इन सारी चीजों का, जो एलिमेंट्स हैं, अदर एलिमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो लाइट का अपना एक मूवमेंट होता है, लाइट की में जब आप कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका एक साइकोलॉजी होती है, उन सारी चीजों को समझना होगा। लाइट का अपना एक चरित्र होता है, हमें उन सारी चीजों को समझना होगा, ना कि ज्यादातर हम देख रहे हैं कि लाइट में रेड, लाल, पीली, नीली, ये वो डाल करके। उसके पीछे एक मकसद होता है, पूरे पूरे प्रोडक्शन का अपना एक कलर स्कीम होती है, वो जो कि आजकल वो इस तरह की मीटिंग नहीं होती है। मैं तो डिजाइनर, सारे डिजाइनर, चाहे लाइट डिजाइनर है, सेट डिजाइनर है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, मेकअप वाला है और उसके साथ डायरेक्टर, ये लोग बैठ करके डायरेक्टर उनको कन्वे करता है, उनको बताता है कि हमारे प्रोडक्शन का कलर क्या है, उसी हिसाब से सारे डिजाइनर्स काम करते हैं और उसी हिसाब से काम करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अब पता चला कि सेट डिजाइनर ने सेट पे बैकग्राउंड में रेड डाला हुआ है, अब आप उसके ऊपर रेड लाइट डाल रहे हैं या उसके अगेंस्ट रेड कॉस्ट्यूम पहन के आ गया है, तो वो सीन क्या क्रिएट करेगा। तो इसीलिए हर प्रोडक्शन का अपना एक कलर होता है, उस कलर स्कीम के तहत सारे डिजाइनर के साथ बैठ करके डायरेक्टर को मीटिंग करनी होती है, फिर उन कलर को लेकर के उसका साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है उसको लेकर के हम काम करते हैं, और फिर मूड होता है, हम एक मूड क्रिएट करते हैं। मूड क्रिएट के साथ साथ लाइट का आजकल देखते हैं झक आना झक जाना, एक उसका अपना मूवमेंट है जो मूड के हिसाब से, जैसे एक करेक्टर का मूवमेंट होता है, एक एक्टर का मूवमेंट होता है, वैसे लाइट का मूवमेंट होता है। लाइट भी मूव करती, वो भी एक चरित्र का निर्वाह कर रही होती। तो हमेशा ऑपरेट करते समय, डिजाइन करते समय ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, जिस सीन की आप लाइट डिजाइन कर रहे हैं उस सीन में करेक्टर ने क्या कलर पहना हुआ है, सेट डिजाइनर उसमें सेट में क्या कलर इस्तेमाल कर रहा है, ये आपस में एक सामंजस्य जरूर बैठाना चाहिए। तो ये आपको हमेशा माइंड में रखना होगा। क्या दो लाइन ले डायलॉग को बिना करेक्टर के बारे में डिटेल जाने उसको कैसे एक्ट करें सर? आप दो लाइन, कोई भी लाइन बोल रहे हैं तो वो लाइन अगर किसी की भी, तो वो तो किसी तो करेक्टर की वो लाइन होगी ही होगी ना, दो लाइन हवा में तो नहीं आएगी ना, कि कोई भी दो लाइन हवा में तो नहीं, कोई तो उसको बोल रहा होगा। वो मान लीजिए कि आप उसको बोल रहे हैं, कोई दो लाइन आपने उठा ली, आप उसको बोल रहे हैं, तो उसको अनेक तरीके से बोलिए ना, कभी कुछ बनके, कभी कुछ बनके, कभी कुछ सोच के, कभी कुछ सोच के,
कभी जो हम वैरायटी और वेरिएशन की बात करते हैं, हम एक ही ढर्रे से डायलॉग को नहीं याद करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, अलग अलग किस्म से बोल के देखना चाहिए। फिर एक हमारी अपनी वॉइस की प्लेसमेंट की बात होती है, देखिए ये ट्रेनिंग की बात है, हमको अपनी वॉइस की ओरिजिनल वॉइस, हम बहुत ज़्यादा लोग, ज़्यादातर लोग अपनी फॉल्स वॉइस में बात करते हैं, हमारा रेजोनेटर क्या है, एक्चुअल रेजोनेटर क्या है, हमें वो तलाशना होता है। और हर इंसान का अपना एक रेजोनेटर होता है, जो फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं वो रेजोनेटर का मतलब समझते हैं, प्रैक्टिकल होता था रेजोनेटर का, तो उसी तरह से हमारा रेजोनेटर है जो शुरू होकर के कि हमारी वॉइस की रियल प्लेसमेंट, हमारी अपनी रियल प्लेसमेंट क्या है। हम बहुत सारे लोग अपनी रियल प्लेसमेंट ही नहीं जानते, वो सर्च करना, और एक अभिनेता के लिए, एक एक्टर के लिए उस प्लेसमेंट को जानना बहुत जरूरी होता है। जावेद जी कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें NSD में एडमिशन नहीं मिलता है, उनके लिए दूसरे कोई ऑप्शन है क्या? बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जावेद जी। देखिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मूल रूप से एक है, और फिर उसकी चार जो हैं दूसरे सेंटर्स हैं। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पहले 20 लोगों को एडमिशन मिलता था, फिर बाद में अब 26 लोगों को मिलने लग गया है। तो आप देखिए ना कि आपके रंगमंच के क्षेत्र में या आपके मीडिया के क्षेत्र में क्या 26 लोग काम करते हैं, या सिर्फ गिने चुने 800 लोग ही काम करते हैं, और बाकी लोग जो काम कर रहे हैं क्या वो कहीं से ट्रेंड नहीं है? वो कहीं ना कहीं से जरूर ट्रेंड है, वो परोक्ष उन्होंने ट्रेनिंग ली हो या अपरोक्ष रूप से ट्रेनिंग ली हो, लेकिन वो ट्रेनिंग जरूर है। कुछ सीनियर लोगों के साथ काम करते करते अपने को ट्रेंड करते हैं, कुछ लोग किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ लोग एक लगातार काम करते करते उनकी अपनी एक ट्रेनिंग हो जाती है। तो एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेनिंग की बात है, तो वो ट्रेंड तो आप जरूरी नहीं है कि NSD में से निकले हुए सारे लोग बहुत अच्छे अभिनेता हैं, और जो NSD से नहीं निकला है वो अच्छा अभिनेता नहीं है। मैं इस बात का खंडन करता हूं, इसलिए ट्रेनिंग के लिए कोई जरूरी नहीं है। अगर NSD में आपको ट्रेनिंग नहीं मिल पाई है, आप NSD में नहीं आ पाए हैं, तो इसमें निराश होने की बात नहीं है। बहुत सारे अनगिनत ऐसे स्थापित अभिनेता हैं जिन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ट्रेनिंग नहीं ली है। अब मनोज वाजपेयी जी की अगर आप बात करें, तो मनोज वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन एक वो सशक्त अभिनेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उस तरह से अनेक नाम है। तो इस बात से नहीं, आपके और भी एस्पेक्ट्स हैं, और भी बहुत जगह हैं जहां आप जाकर के अगर वाकई ट्रेनिंग लेना चाहता है कोई, तो ले सकता है। और किसी भी संस्थान में आपको शुरू से लेकर आखिर तक नहीं सिखाया जाता है, ये एक प्रैक्टिकल फील्ड है, इसमें आपको चीज़ें दी जाती हैं, फिर उनको रियाज आपको करना होता है। अब 8 साल में निपुणता कोई संगीत में, नृत्य में प्राप्त कर लेता है, उसके आगे क्या है? उसके आगे तो उसका रियाज है ना, वो उसका प्रैक्टिस है, वो है तो आप फील्ड में हैं, नहीं हैं तो आप फील्ड में नहीं हैं। जिस धमाके के साथ आप आएंगे, उसी धमाके के साथ आपकी वापसी होगी। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जीते जागते उदाहरण हैं। देन आपका सर वांट टू लिसन एवरी प्रोफेसर सेशन ऑफ NSD इज इट पॉसिबल? जी हाँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने सेठ जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने आज से ही वेबिनार सीरीज शुरू की है, जिसमें आज मैं 4 बजे से लेकर 5:30-6 बजे तक की लाइव था, और कल अभिलाष पिल्लई जी हैं जो कि डिवाइस थिएटर के ऊपर बोलने जा रहे हैं। अगर आप फेसबुक पे या NSD के वॉल पे जाएंगे तो आपको अभी से लेकर के 17 तारीख तक के सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे, रोज 4 बजे से लेकर 5 बजे तक की। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक स्नातक वहाँ पे, एक संकाय सदस्य, एक फैकल्टी मेंबर वहाँ पे बोल रहा है। फिर 18 तारीख से लेकर 31 तारीख तक की हमारी दूसरी सीरीज शुरू होगी, तो आप वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं, रोज आप उसका आनंद ले सकते हैं। एनी चांस सर, मुंबई में भी NSD का सेंटर ओपन होने के चांस है फ्यूचर में? नहीं, अभी विजय शुक्ला जी, अभी मुंबई में कोई चांस नहीं, लेकिन हाँ महाराष्ट्र की में हम प्लानिंग कर रहे हैं। अभी हमने एक 3 महीने की प्ले राइटिंग वर्कशॉप की थी पुणे में, और हम महाराष्ट्र में जरूर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्लानिंग है, अगर हमको स्वीकृत मिल जाएगी तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय महाराष्ट्र में कहीं, लेकिन मुंबई में वो नहीं होगा, ये बात मैं आपको पहले से बता देता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में होगा। विशाल सिंह जी, सर NSD की लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने के लिए क्या
प्रोसीजर है। आप आइए विशाल जी, आप आइए, और आप अगर दिल्ली में हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और आप आइए, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और जिस तरह की किताबें NSD में रेफरेंसेस बुक बहुत है, लेकिन आपकी साहित्य एकेडमी की बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जो कि आपके मंडी हाउस में ही है। चलिए बहुत हुआ, अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप सभी लोगों का, खास करके आप जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहे, और खास करके कोकोनट थिएटर के इस समारोह के जितने लोग आयोजक रहे, उन सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ ही आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, और खास करके कोकोनट थिएटर के सभी आयोजकों का, और उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इस तरह का एक समारोह आयोजित किया। धन्यवाद, नमस्कार, भविष्य में फिर कभी आपके साथ मुलाकात होगी। इसी के साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और भारत सरकार के जो भी नियम इस कोरोना-19 के उसमें आते हैं उसको आप पालन कीजिए, और अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद सर।